तो गाइस अभी हम जो है इस रूम पे आ गए हैं जिस रूम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चलिए आज हम जो है इसको साफ करेंगे, सिर्फ को झाड़ू मारना है और आपको हम रूम पूरा दिखा देते हैं किस तरह का है। तो चलिए स्वागत है इस नए ब्लॉग में। आज हम जाने वाले हैं रूम जो लिए थे उसका जो है साफ और करवाना होगा लगता है, तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या करवाना है। क्या लगता है कि कुछ हुआ भी नहीं होगा क्योंकि जाते हैं और वहाँ देखते हैं, दोस्त लोग हैं, चलिए चलते हैं वहाँ पर और आपको वहाँ का दिखाते हैं कि कैसा रूम है और जो है क्या आगे काम करवाना होगा जिससे वहाँ पे जो रहने के लिए सुविधा हो जाए, जो कि 1 तारीख से जो है रहना है वहाँ पे 1 अगस्त से। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जो दिखाते हैं कि आपको वहाँ का जो काम है क्या क्या करवाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है शुरू करते हैं। अभी जो है आ गए हैं और दोस्त के रास्ते में ही है, जो कि दोस्त के रूम पर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्त के पास और उसके बाद जो है चलेंगे वहाँ से रूम पर जहाँ रूम लिए हुए हैं। Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything, you took it all and took it for granted. If you're still falling out of love, maybe it's 'cause it's not enough. तो गाइस अभी हम जो है इस रूम पे आ गए हैं जिस रूम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो चलिए आज हम जो है इसको साफ करेंगे, सिर्फ को झाड़ू मारना है और आपको हम रूम पूरा दिखा देते हैं किस तरह का है। तो चलिए दिखाइए इसको। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know we could both do better. Wish you would've left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection if you never look in the mirror? अभी जो हम लोग साफ कर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कचरा पूरा भरा हुआ था रूम में। और इधर से आप देख सकते हैं इधर खिड़की है और इस साइड भी एक खिड़की है। सामने में आप इधर गेट है और इधर गेट, मतलब 2 गेट 2 खिड़की है। और इधर से आपको हम दिखा देते हैं बाहर का व्यू जो है, ये है हॉल। हॉल में इधर आपको मिल जाएगा एक किचन है सामने में और इधर ये है बाथरूम, इधर गया सामने में इधर बाथरूम है और ये भी रूम में है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे नया रूम जो है हम लोग ढूंढे हैं। तो इस ढूंढने के बाद जो है 1 तारीख को जो हम लोग शिफ्ट करेंगे, 1 अगस्त 1 तारीख को जो हम लोग इस रूम में शिफ्ट करेंगे। ये है 3 बेड का और इधर से जो है आपको यहाँ पर बालकनी भी मिल जाता है। आपको हम दिखाते हैं पीछे करके जो है, आपको हम दिखाते हैं इधर से जो है एक बालकनी मिल जाता है आपको यहाँ पर। ये है बालकनी, सीढ़ी के जस्ट पास में ही जो इसका गेट है और उधर से भी जो गेट है आपको उधर से ही आपको हम दिखाते हैं। चलिए आपको हम दिखा देते हैं इधर से बालकनी जाने का रास्ता। तो गाइस ये है रास्ता जो कि बालकनी निकलता है, इस तरफ से जो है इधर बालकनी निकल सकते हैं। छत पे जा रहे हैं, ऊपर में जाके देखते हैं कि क्या है ऊपर में और किस तरह का जो व्यू है छत पे आता है। चलिए हम आ गए हैं छत पर, पहले ही से छत पे था। देखिए इस तरह का जो है यहाँ पे व्यू आता है, खाली जो है बिल्डिंग ही बिल्डिंग यहाँ पर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे एक टंकी है और देखिए पानी अभी जो है टंकी यहाँ तो नहीं चलता है, तो बहुत छोटा सा है जो है यहाँ पर छत है। सो गाइस जब जो है इसको जो व्यवस्था कर दिए रूम का, रूम को व्यवस्था करने के बाद जो है अब लोग हम जो है रूम पे जा रहे हैं अपने रूम पे जो कि अभी यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये चलते हैं वहाँ पर और उसके बाद जो है आपको हम मिलते हैं। सो गाइस अभी जो है हम रूम पर आ चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं ऊपर आने के बाद जो है हालत ख़राब हो चुका है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं।